सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत चबूतरा के करीब 5 दर्जन परिवार भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सामने तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि रविवार देर शाम को पंचायत चबूतरा के वार्ड नंबर 4 गांव खोलू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। यहाँ पहुंचे मुख्य अतिथि का स्थानीय लोगों युवा वर्ग के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ धूमल का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच युवाओं ने अपने मजबूत नेता को मंच स्थल तक पहुंचाया। इस मौके पर धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं में शामिल है, लेकिन जब से देश की बागडोर यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली है, उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना भी मूलभूत सुविधाओं में शामिल किया है। आज पूरे देश में जन धन योजनाओं के तहत जीरो बैलेंस का खाता खुलवाए गए हैं। देश के हर घर में गैस चूल्हा पहुंचाया गया है। इसके साथ देश के सबसे बड़े कामधारा 370 को भी खत्म किया गया है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे खत्म करना और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाना तमाम ऐसे कार्य हैं जो केवल अब तक सपने में ही सोचे थे। तालाब में पानी नहीं आता रहे तो तालाब भरता रहता है, बहता रहता है। इस तरह पार्टी का भी जैसे परिवार बढ़ता है तो अगर खिड़कियां दरवाजे हम बंद कर लेंगे तो ताजी हवा अंदर नहीं आएगी, और ताजी हवा नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आपको पता ही क्या होता है, मास्क लगा के पता लग जाता है। मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ उन सभी भाई बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, जिन्होंने आज पार्टी को और हमें तो ताकत दी ही है, पर स्वयं भी आज एक गौरव प्राप्त किया है। आज आप सब लोग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी में नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो 18 करोड़ जिसको मेंबर है, उस पार्टी के मेंबर बन गए। जिस पार्टी की हिंदुस्तान में पिछले 7 साल से लगातार सरकार है, स्पष्ट बहुमत के साथ है, तो लगातार देश की तकदीर और हर बार हम नारा लगाते थे जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कश्मीर अब अटूट अंग है, पर 370 के कारण कई दिक्कतें आती थी। हम हर बार चुनाव में वायदा करते थे कि 370 खत्म कर देंगे, नहीं कर पाते थे क्योंकि ताकत नहीं होती थी, पूरे MP हमारे नहीं होते थे। आपने 2019 में मई महीने में मोदी जी को 303 MP दिए और 5 अगस्त 2019 को ही 370 धारा खत्म करके मुस्लिम बहनों को सब बोलते थे 3 तलाक नहीं होना चाहिए, आपने पूरी ताकत दी, वो भी अगस्त महीने में 2019 में खत्म हो गया 3 तलाक। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार होगी। कई बार कांग्रेस वाले पूछते हैं क्या कर रहे डबल इंजन की सरकार, 2-3 उदाहरण दूंगा बहनों और भाइयों। मैं सांसद रहा आपका, आपके समर्थन से हमें साल में 48 कनेक्शन देने का अधिकार मिलता था, 17 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3.5 जिले और 48 कनेक्शन बांटने, टेलीफोन का कोटा होता था, टेलीफोन आपको मिलता था। जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और बाद में मोदी जी की सरकार, तो गैस कनेक्शन तो बिना काउंटर के मिलने लगे, ऑन डिमांड मिले, और जिसकी कल्पना नहीं की थी, मोदी जी ने कहा मेरी वो गरीब बहनें जिनकी आंखें खराब हो गई धुएं के साथ, लकड़ी जलाते जलाते गैस कनेक्शन मिल जाएगा, बड़ी कीमत मानी जाती थी, पर मुफ्त मिल जाएगा, ये मोदी ने यह भी करके दिखा दिया। जन धन योजना, बैंक तो 1969 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिए थे, कितने खाते खुले थे, सारी आजादी के बाद आज तक 6.5 करोड़ थे। 2014 मोदी सरकार आई, सबके खाते खोले गए,
बोलते क्या हुआ? गरीबों ने कहा मोदी जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बैंक का खाता कैसे खोलेंगे, बैंक की तरफ हम देख ही नहीं सकते। मोदी ने कहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं भी है तो भी बैंक का मैनेजर कर्मचारी आपके पास आएगा, जीरो बैलेंस के साथ आपका खाता खोलेगा, 5,000 की गारंटी तुम्हारे यहाँ पे मैं तुमको दूंगा। बैंक भूतपूर्व सैनिक थोड़ी पेंशन होती थी और उसमें गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करवा सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने नियम बनाया कि फौजी जो होगा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा और रिटायरमेंट के बाद उसको पूरा इलाज मुफ्त होगा। आज हमारा कोई रिटायर्ड फौजी बीमार होता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो हम तो सोचते हैं फोर्टीज में जाएंगे बड़ा महंगा इलाज होगा। हमारा फौजी भाई बहन फोर्टीज हॉस्पिटल में जाके चंडीगढ़ में लाखों रुपए का इलाज करवा रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के कारण करवा रहे हैं। मन रहे वन पेंशन दिया हो, मुफ्त इलाज दिया हो, सम्मान दिया हो शहीदों को, विधवाओं को पुरानी पेंशन दी हो, हर तरफ हमने करके दिखाया है। मुझे कहा गया था कि आप चलो पहले, ताकि मैं तब जाऊंगा जब सड़क बन जाएगी। झूठा वादा करने नहीं जाऊंगा, हमने करके दिखाया जो करना होता था। प्रचार कम किया अलग बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को शिखर तक लेके गई तो भारतीय जनता पार्टी ही लेके गई। चाहे कोई पानी वाला मुख्यमंत्री बना, चाहे कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री बना, लेकिन विकास के साथ नाम जुड़ा तो आपके नेताओं का ही जुड़ा है, आपको गौरव होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मुझे पता है बहनों को घर में काम भी करना, खाना बनाना है, दूध लेना है भैंसों से, इसलिए जो आज शामिल हुए स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हमें मान कर चले ईमानदारी से कि आप लोग अब जुड़े हैं तो जैसे बख्शी राम जी ने कहा ईमानदारी से जुड़े और जो आपके संपर्क में आएंगे उनको भी जोड़ेंगे तो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं, इलाके के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो सबका स्वागत, पुराना का पूरा मान सम्मान और नयों का स्वागत, दोनों मिलकर अच्छी आबो हवा में बनाओ, पार्टी को सशक्त बनाओ। कोई हमसे रूठा है, पार्टी से रूठा है तो उसको मनाओ। हो सकता है जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धुम्मा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धुम्मा जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धुम्मा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो सकता है उसका कसूर ना हो, हम ही अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाए, हमें नहीं याद करा पाए अपनी बहन को कि ये धुआं रहित चूल्हा तुम्हें मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, ये बीजेपी की मोदी सरकार ने दिया है, ये तुम्हारे पति को पेंशन मिली है। मैं यहीं आपके पड़ोस में, ये कैप्टन साहब एक हैं, उनको मैंने पूछा जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, मैं कैप्टन साहब कितनी पेंशन दी, कि सर 3,500। कई रिविजन के बाद 3,500 तक पहुँचे थे। मैं कहा आप कितने गए, 55,000। 3,500 से 55,000 हो गई, लेकिन खाते में पैसे आ गए। आपने और हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मोदी ने तो पैसा दे दिया, हम उसके पास नहीं गए कि मेरी पार्टी ने, तुम्हारी पार्टी ने उसको 3,500 से 55,000 मेरी की पेंशन दी। ये धुआं रहित चूल्हा मिले इसके लिए गैस मुफ्त दी, 5,00,000 तक का इलाज मुफ्त दिया है, ECH की हॉस्पिटल की सेवा फौजियों को दी है, सम्मानपूर्वक संस्कार करने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया है। हर काम गिनाने लगे तो इतने काम हैं, देश को एकता अखंडता के बांध कर रखने के लिए काम किया है तो बीजेपी ने किया है। कल सवेरे मेरा एक इंटरव्यू था अमेरिकन एम्बेसी से, व्हाट्सएप कॉल पर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने आपको $200 मिलियन की दवाइयाँ दी जब
कोरोना हिंदुस्तान में फैला था, मैंने कहा क्लोरोक्वीन सबसे पहले हमने आपको दी थी, तुम्हारे ट्रंप ने हमें अगर कुछ दिया है तो मेरे मोदी ने उससे पहले तुम्हें क्लोरोक्वीन भेजी थी। मैंने कहा दुनिया का बड़े से बड़ा देश हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, अपने आप में अकेला दुनिया में नहीं जी सकता, उसको सहारा चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, दुनिया तभी बचेगी। उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी कोई शिकायत हमारे से, मैंने कहा शिकायत है, अमेरिका का मीडिया मेरे हिंदुस्तान की पिक्चर ठीक नहीं चलाता, मेरे देश में बहुत कुछ हुआ है, मेरे देश का नेता आज विश्व का नेता बन गया है, सारी दुनिया देखती है मोदी क्या करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।